छोटे से गांव में रहती थी और वहाँ की लड़की हूँ यूपी से और यहाँ तक आई, टॉप फोर बनी, मेरे लिए उतना काफ़ी है। मैंने जनता का प्यार जीता। एक्चुअली मुझे ना अंदर एक गलत फहमी थी कि मुझे लगा मेरी छीछा लेदर कुछ ज़्यादा ही हो गई है बाहर, बट जब मैं अभी बाहर आई तो मुझे पता चला कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। वो मेरी गलत फहमी थी। यहाँ पर तो बहुत प्यार मिल रहा है और महिलाओं का भी प्यार मिल रहा है, बच्चों का भी, सबका प्यार मिल रहा है, तो मेरे लिए उतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, टॉप फोर में भी मैं रही, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मैं एमसी स्टैंड को पहली बात तो कांग्रेस करना चाहती हूँ और मैंने अभी किया भी है और सच बताऊँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो घर में रहते हैं तो तू तू मैं तो होती रहती है, बट मुझे लगता है कि देखो जो, क्योंकि ये जो शो था ये रियल बेस पे शो था, पब्लिक ने उसे पसंद किया, उसे वोट किया और वो यहाँ विनर बना, तो वो मुझे लगता है वो डिजर्व करता था, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचा। पता है अभी मैं बताती हूँ, आपने देखा होगा इलेक्शन में ना दो दिन पहले पता चलता है कि भैया कौन जीतने वाला है, पता चलता है ना। ऐसे हमको अंदर पता चल गया था, कुछ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि भैया अर्चना तेरा भी पत्ता नहीं लगने वाला, जो भी मिले ले ले, ठीक है। तो बट हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं टॉप थ्री में तो एटलीस्ट मैं रहूं, बट वो मैं नहीं हो पाई, बट चलो कोई बात नहीं, चलता है ये सब। मतलब दिल जीत लिया वो ही काफ़ी मेरे लिए। देखो इस चीज़ में मुझे लगता है कि जब बात आती है स्टैंड की, और एक्चुअली जब मैं यहाँ से गई थी ना, मुझे ये गेम नहीं पता था। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे जाने से पहले 3-4 लोगों के साथ बैठना चाहिए था और गेम को समझना चाहिए था, बट मैं अब गेम को समझी हूँ। बट यहाँ पे समझने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि जो बिग बॉस गेम है ना, ये दोस्ती का गेम है, उतार चढ़ाव का गेम है और आपकी रियल पर्सनैलिटी का गेम है। तो मुझे उस चीज़ में प्रियंका थोड़ा सा वीक लगती है, जिस वजह से वो नहीं बन पाई विनर और एमसी स्टैंड बना। एमसी स्टैंड जो भी था कि भैया हाँ अब मुझे आया गेम समझ में, अब मैं क्या करूँ, जब आया लास्ट में आया तो क्या करूँ, मैं आया तो आया, उस चीज़ पे मतलब मुकरा नहीं वो, तो वो मुझे लगता है उसकी पर्सनैलिटी उसको विनर बना के लेके गई। किसने बोला? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, शिव ठाकरे का नुकसान नहीं हुआ, ऑलरेडी फ़ायदा हुआ है कि मंडली बना के वो टॉप टू में आ गया। जिस हिसाब से मैंने उसको देखा है, एक बात बताओ, मैं अभी बिग बॉस खेल के आई हूँ, अब मुझे इसके बाद दूसरा बिग बॉस मिलेगा तो मैं पता क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँगी। अच्छा मुझे सुबह उठ के ये करना है, मुझे एक टाइटल टैग देना है, मुझे सबसे अच्छा रहना है, मुझे मुद्दे पे लड़ना है, मुझे ये करना है वो करना है, मेरा माइंड सेट हो जाएगा तो मे भी शायद दूसरे बिग बॉस में मैं विनर बन जाऊँ। तो ये उसका प्लस पॉइंट था कि उसने ऑलरेडी एक मराठी शो जीता हुआ था तो उसको वो एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे लगता है कि
शायद स्टैंड की वजह से उसको एक बेनिफिट मिला है जी। क्योंकि वो सीखा है ना, वहाँ पे गेम अलग था, यहाँ पे गेम अलग, वो सीखा है स्टैंड। सुनो, अगर स्टैंड नहीं होता तो मैं मना नहीं कर रही, वो जीतता था, मैं मना नहीं कर रही अगर स्टैंड नहीं होता तो, बट एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना भैया, है कि नहीं, एक्सपीरियंस हो जाता है। देखो मैं तो सच बोलूँगी, अब बुरे लगे लगे भैया नाम मुझे तो पता नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुझे जो लगता, मुझे तो एक्सपीरियंस लगता है भैया, मैं तो, मैंने तो देखा है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट वो टॉप टू में है उसके लिए भी मैं खुश हूँ सच में, बट मैं सबसे ज़्यादा एम सी स्टैंड के लिए खुश हूँ। हम दोस्त हैं, नहीं नहीं हम दोस्त हैं वैसे भी, आपने देखा होगा लास्ट के एपिसोड में हम लोग बात बात करने लगे थे, हंसी मजाक करने लगे थे, ऐसा नहीं है कि कोई मेरा दुश्मन है, नहीं 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 नहीं। क्या वो, हाँ वो पक्का कंफर्म है, पक्का कंफर्म कंफर्म, नहीं पक्का नहीं, रियली निकालूंगी। बट अर्चना एक बात बताइए, अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो स्टैंड से ज़्यादा आप चारों में खाली, आप प्रियंका शिव ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, वो बोला मुझे पर लड़ना, कभी कभी पता भी था कि इन लोग ये गंदा दिखेगा, बट अगर उसके कंपेयर से करें तो एम सी स्टैंड का विनर बनना कितना जस्टिफाइड है, क्योंकि ये तो कॉन्टेंट पे ही चलता है, तो उस हिसाब से अगर आप सोचें। देखो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो वोट के हाथ में, जनता ने उसे वोट दिया तभी वो यहाँ तक पहुँचा, अगर शायद जनता वोट नहीं देती, जनता प्यार नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक पहुँचता। तो मैं सब क्रेडिट जनता को देती हूँ, उनका वोट को देती हूँ, उनके मैसेज को देती हूँ, और वोट करने का जो भी उन्होंने किया, टॉप पे लेके आए, वो सारा क्रेडिट जनता को ही देती हूँ मैं। अर्चना खतरों के खिलाड़ी भी आने वाला है, और आपका और शिव का नाम आगे चल रहा है, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो इस पे? मुझे पता ही नहीं, मुझे पता नहीं क्या। देखो अभी सच बताऊँ, मैंने सोचा भी नहीं क्या है, अभी तो मैंने, मेरे पास फोन भी नहीं मिला, मैंने अपना इंस्टाग्राम भी नहीं देखा, कितने फॉलोवर्स बढ़ गए, सब लोगों ने बोला 1 मिलियन हो गया, 1.2 हो गया, तो अभी पहले मैं फ़ोन देखूंगी, सारा चीज़ें रियलाइज़ करूंगी, फिर डिसाइड करूंगी क्या करना। अचानक से एकदम से प्रेशर, अब बताओ बाहर की दुनिया देखी एकदम से, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ना। मैंने सीखा दिल की कभी नहीं सुननी, दिमाग लगाना है भैया, दिल की सुनोगे ठोकर खा के गिर जाओगे, और क्या बोलूं, शालीन नहीं नहीं शालीन की, शालीन शालीन का ये हो जाओगे, तो भैया दिमाग की और दिल की दोनों की एक साथ सुनोगे। नहीं नहीं भैया, अब तो दिमाग की सुनिए, दिमाग से अभी दिल अंदर लगा लिया, देखा 4 नंबर पे आ गई, अगर दिमाग लगाती तो शायद जीत जाती है कि नहीं, तो भैया दिल लगाया 4 नंबर पे आ गई, अब दिमाग लगाना है, लाइफ में जीतना है, कोई बात नहीं, बिग बॉस हार गई बट मैं जनता के लिए जीत गई, मैं अपने लिए जीत गई, वही मेरे लिए बहुत है, बट अब मुझे रियल जिंदगी में जनता के लिए जीतना है, तो आगे का देखते क्या होता है लाइफ में। थैंक यू सो मच आप लोग आए, और थैंक यू सो मच सभी लोगों को, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों को देखिए। यार कल के पेपर में मैं ही आने वाली हूँ क्या? हो गया? बाद में तो बाद में भी ले सकता है भाई। चलो थैंक यू भाई, ठीक है, मैं भी आ गई।